हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। दोस्तों, इग्नू के जून 2024 के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और इन जून 2024 के एग्ज़ाम्स में आपकी प्रिपरेशन मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो मुझे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, अगर इन जून 2024 के एग्ज़ाम्स में आप फेल हो जाते हो या अपियर ही नहीं होते तो इसका आगे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अपने माइंड में एक चीज़ स्टोर कर लो, इग्नू के जो एग्ज़ाम्स हैं दो सेशन में होते हैं, हर साल दो सेशन में इग्नू के एग्ज़ाम होते हैं, जून और दिसंबर। अगर आप किसी सेशन में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हो लेकिन आप उसको नहीं दे पाते या फिर फेल हो जाते हो तो ऐसी सिचुएशन में वो एग्ज़ाम आप अगले 6 महीने के बाद ही दे सकते हो। यानी कि सिंपल सा क्राइटेरिया है, जून 2024 में अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फेल हो गए तो ये एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2024 में हो जाएगा। आपको इस एग्ज़ाम की एग्ज़ाम फ़ीस दोबारा से पे करनी होगी जो कि अराउंड सितंबर में आपका एग्ज़ाम फॉर्म निकलेगा। अच्छा सर, क्या असाइनमेंट भी दोबारा बनाना पड़ेगा अगर असाइनमेंट हमने अभी सबमिट कर दिया? नहीं, असाइनमेंट अगर आप सबमिट कर चुके हो अभी तो उसे दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आप थ्योरी एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हो तो वो सिर्फ थ्योरी का पेपर ही आपको दिसंबर 2024 में दोबारा से देना पड़ेगा। अब इसमें जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके साथ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं क्योंकि उन्हें सेकंड ईयर भी देना है, तो इस बीच अगर फर्स्ट ईयर में फेल या एबसेंट होगा तो 6 महीने के बाद दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं उनका 6 महीने ज़रूर से वेस्ट होंगे, सीधा सीधा आँखों से दिख ही रहा है कि भाई अगर आप फाइनल ईयर में हो, जून 2024 में एग्ज़ाम है आप लोगों के, तो ऑब्वियस सी बात है अगर नहीं दे पाए या एबसेंट होगा तो वो दिसंबर 2024 में ही आप एग्ज़ाम दे पाओगे और कोई दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं है। एग्ज़ाम फ़ीस अगर उसकी भर दी है तो एग्ज़ाम फ़ीस ऑब्वियस सी बात है भाई, दोबारा एग्ज़ाम दोगे तो दोबारा से एग्ज़ाम फ़ीस देनी होगी, लेकिन असाइनमेंट आप लोगों को दोबारा से नहीं देने होंगे। ये इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने आया था। और बाकी इग्नू में ईयर वाइज कोई भी मार्कशीट नहीं मिलती, जब आपका कोर्स कम्प्लीट हो जाता है उसके बाद ही आपकी मार्कशीट आती है और उस मार्कशीट में लिखा रहता है कि आपने किस सेशन में उसको कम्प्लीट करा है अपने प्रोग्राम को। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।